तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अपना जो प्लान था कि अपन जा रहे हैं दिल्ली, वो प्लान अपना हो चुका है कट। अब हम नहीं जा रहे, 2-3 दिन रुकेंगे। और एक और नई खबर है वो कि मम्मी भी आ रही है यहाँ पे। अच्छा, तो उनकी डेट फिक्स नहीं है। जब बेबी उनकी छुट्टी मिलेगी वो आ जाएंगी, एक इसी हफ्ते में आ जाएंगी। मतलब इसी हफ्ते में आने की वो पूरी कोशिश करेंगी। सो अभी थोड़ी देर अपने नाश्ता कर लेते हैं, नहा लिए हैं, ब्रश कर लिया है, बस अभी नाश्ता करना है। और भूख तो जोर की लगी है, तो उससे अभी नाश्ता कर लेते हैं। और यहाँ पे नान जी जो हमें नाश्ता डाली, वो तो अभी ऐसे भिंडी काट रहे हैं ना। अभी भिंडी काट के भिंडी अबनो की फेवरेट है। अबनो आजा, फेवरेट भिंडी। फिर दूध गर्म करूँगा, भिंडी काट के फिर करूँगा दूध गर्म। अच्छा, फिर दूंगी गिन्नू को नाश्ता। ओके थैंक यू। अबनू की तो फेवरेट है भिंडी। अबनू ये तो पानी पी दिया। अबनू आपकी तो फेवरेट भिंडी बन रही है, कैसा लग रहा है? ये तो जवाब ही नहीं देना यार मुझसे। कल की ना रूल्स रखी है, क्योंकि मौसम है ना, हम हमेशा ये ना मौसम जी से लड़ाई करती है, और हमेशा मैं मौसम जी की साइड जी होता हूँ, इसलिए मेरे से ना ये रूल्स रखे, नाराज हो गई है। सो फ्रेंड्स, अभी मामा जी काट रहे हैं दूध गाय का, ये देखिए। हाँ, से बाल्टी मार देते तो झाग है, कितने झाग निकल रहे हैं। इसे इसे कुछ ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है भैंस को जो आ रहा है। मैं निकाल के देखो, नहीं निकल रहा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। कैसे कर रही है, कैसे वैसे कर रही है। अब इसका दूध थोड़ा पीला कलर का है ना, ना तो वाइट झाग उतर रहे एकदम भयंकर वाले ना। देखना पापा जी, मैं आपको पापा जी लगता हूँ। भैया जी देखना कैसे कर रही है। हाँ, इसको तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। चलो हाँ, इसको तो किसी से लड़ाई करने की जिम्मे आ रही है। हाँ सही ना, ये हमेशा ना ये एकदम से गुस्से में रहती है, ये वाली बहन हमेशा रहती है। कभी भी देखा है ना आप, तब निकाल रहे हैं ये देखिए। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कई बार से ये होती हैं कि उनके पास कई कई होती है कि उनके पास कोई भी आए ना दूध निकालने के अलावा तो वो उछल जाती है। भैया जी ये देखिए, पहले गए हम चला भी रहे हैं, तभी भी बेचारी कुछ नहीं कर रही है। ये भी अच्छी है अपनी वाइट वाली की तरह। मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, नहीं देखा तो देख लेना। सभी पूरा झोंक झोंक हो रहा है, सभी जल्द से मामा जी निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, अब ना चिल्ला मैं तेरे झूला रहा हूँ। अब ना झूल रही नीम का झूला। करना झूला ना इससे यार, खुद ही झूली से झूलना तो आता नहीं है। मैं से झुलाता हूँ, करम बिलवाऊ झुला रहे। तेज झुलाए, वह तेज झुला दे से। मम्मी बाप के वाला की ना लेटरिंग बाथरूम। तो भाई देखिए, अभी अपनो झूल रही है झूला। थोड़ा और तेज झुलाना इसे। हाँ अच्छा, तू गिर जा, जोर जोर से गिरी हो। बहन जी जमीन में टेक दिए, सब उनका झूला खत्म। अब मैं झूल लूँ अपनू? चलो यार, ये झूलने तो छोटी बच्ची है। सभी करमवीर मामा जी दूसरी गाय का निकाल रहे हैं, ये देखिए इसका अच्छे से, और जल्दी जल्दी आ रहे हैं। दूसरे से नहीं निकालते क्या? दूसरे में नहीं है क्या? निकाल लिया हूँ तो। अच्छा, तो एक वो साथ साथ में चारा खा रही है, ये भी नहीं मानती। क्या कर रहा है? तू गेलना नाव है, तेरा ड्री है। अब मुझे डर गई। अब मुझे तो डर गई, गेलना बोल लिया जी देख दम। अब मुझे डर गई भाई। भाई मैं तो दूर रहूंगा भाई, मैं जूम कैमरा दिख करके दिखा दूंगा, लेकिन आप इससे तो दूर रहूंगा। मार देगी, दूर रहे भाई उससे दिखाऊंगा, वरना भाई ऐसे मारोगे गधे की तरह सीधा आसमान में उड़ के जाऊंगा मैं तो। मेरे को नहीं उड़ना भाई, मेरे को एरोप्लेन में उड़ जाऊंगा मैं चाहे, लेकिन अभी नहीं उड़ना। सब अपन दूरी हैं भैंस से, वरना दोबारा वो भी लात मार देगी। अच्छा वही वाली आज जो गुस्सा करती थी, गुस्सा वाली भैंस ये। अभी नान जी काट रहे हैं उसका दूध।
भैंस का देख रहे हैं दूध कैसे काट रहे हैं, तेरे को भी काटना है क्या? अपने मुँह से काटी की क्या भाई? जग में डाल दिए भैंस का दूध अभी ना, अब फिर दोबारा भरेंगे, अब फिर दोबारा भर देंगे और ये दोनों ही ले जाएंगे। तो दो भैंस है, एक अभी ब्याही नहीं है तो अभी उसका दूध नहीं आ रहा अच्छे से, इस कारण ये ब्याही हुई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है चक्की, घर में हमने चक्की लगा रखी है। खेत में बोते हैं वही गेहूँ ले आते हैं बेच देते हैं, और घर के लिए 5-6 किलो ले आते हैं और फिर करते हैं, मतलब पूरे साल का ही ले आते हैं। अब ऐसे ग्राइंड करके घर में मशीन है और ऐसे अपना पूरा कंटेनर भर देते हैं। नानी जी अभी और गेहूँ डाल देती है इसमें, और गेहूँ डाल दिए हैं, और मैं बता देता हूँ वो सबसे ज़्यादा काम उस मोटर का है, मोटर से फट्टी टूटी हुई है और इससे फिर मशीन में बिजली पैदा हो गया और मेरे ग्राइंड कर रहे हैं, तो अगर सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है उसका। अब इसमें चने भी मिला दिए हैं और आप देख रहे होंगे आटा, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि आटा भी ऐसा हो रहा है प्योर जैसे दिल्ली में होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें चने भी हैं, चने और दाल भी ना कोई चीज़ हुआ से दिखता है, और दाल वाला आटा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कई लोग तो उसमें चने भी डालते हैं, साबुत चने भी डालते हैं, दाल भी डालते हैं, तो हम भी डालते हैं। देखिए डाल दिया, मिक्स कर दिया अच्छे से इसमें, देखिए छोटे छोटे दाने ऐसे डाल दिए, उसके बाद ये ग्राइंड हो रहा है। फिर वहाँ पर मैंने आपको बताया मोटर कपड़े से सबसे ज़्यादा है, वैसे पट्टी से चलती रहती है ना, जैसे हम जो जॉइंट पैन की बात करते हैं वैसे उसकी तरह ये बिजली पैदा करती है। पानी ने अभी और डाल दिया है इसमें, देखिए तो मतलब ऐसे इसमें लग जाता है तकरीबन 1-1.5 घंटा उस काम में ना पूरे में, तो आटा चल रहा है 1-1.5 घंटा। तो फ्रेंड्स अभी अपने अंदर ना वो जला रखा है, ये करते हैं, नाम भूल गया क्या कहते हैं यार, नाम याद नहीं आ रहा, आपको अगर याद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चूल्हा चूल्हा, हाँ याद है याद है। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो सॉरी यार, मतलब सॉरी की क्या बात है, थैंक यू, मेरे को याद दिलाने के लिए, मैंने अभी कमेंट ही देखा था। जो भी अंदर जला रखा है हमने ना, पूरे 3-4 चूल्हे का स्टैंड मतलब चूल्हा बना रखा है, और अभी थोड़ा बहुत अपन नीम की छाया में बैठ जाते हैं, गर्मी मतलब अभी थोड़े दिनों से तो कम हुई है, ज़्यादा हो रही थी इस वजह से ना, मतलब 21 डिग्री टेम्परेचर 30 डिग्री, अब तो थोड़ा कम लग रहा है, तकरीबन 19 या 15 डिग्री का होगा, ज़्यादा गर्मी नहीं है अब। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं करमबीर मामा जी, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो टंकी है उस टंकी को गड्ढे के अंदर डाल देंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत जगह रोकती है और कई बार ना गाय टकरा जाती हैं। सभी साइज तो अभी नापा नहीं है, अंदाजे से कहेंगे, हाँ बाहर ना गर्म हो जाता क्योंकि प्लास्टिक कटेंगे ना, और गीली मिट्टी में ना ठंडा रहेगा, ये भी एक रीज़न है। और अगर गाइस इसके अंदर खजाना निकल गया तो क्या होगा, तो दवाई मौत हो जाएगी खजाना। नानी जी कह रही हैं खजाने का पता नहीं, यहाँ पे ना ये गड़ा हुआ है ना, तो कौन सा कौन लावा फ्रेंड्स अभी हो रखी है शाम, और हर चीज का गेयर सभी सभी हो रखे शाम, और हमने जो चक्की है वो बंद कर दिया है और नहा भी लिए हैं, झूला तारो कर रही है यार, 2 मिनट रुक जाए यार, ये जब भी हम मैं आपको वीडियो बनाने लगता हूँ ना यार, कहते ये करो वो करो यार, पढ़ाओ यार, चलो उसका झूला तार देते हैं।
लेकिन पहले मैं झूलूंगा। ठीक है चल, तो छोटी बच्ची है झूल लियो, सब इसे झूला देते हैं झूलने। आपको बातें नहीं करनी चाहिए मुझसे, व्लॉग नहीं मैंने देखी है। सो फ्रेंड अभी अपन झूल रहे हैं झूला, और ज़्यादा तेज नहीं झूल रहे यार, गिरने का भी डर है ना। नीम का पेड़ हमारा बहुत पुराना है, मतलब हो गए होंगे 40 साल से, तो आराम से होंगे 40-50 साल से। और रस्सी भी कई दिन से डली हुई है, तो थोड़ा ये थोड़ा बहुत वीक है, इसलिए आराम से झूल रहे हैं। ओम फो, मुझे भी झुलाओ कर रही जा रही है ना। ओ झूलो झूलो, इतना ही तेज झूल सकते हैं। और ना एक बार हम जानवील में बैठा था, मैंने आपको जो कहा था ट्रेड फेयर वाले में, उसमें तो भाई मजा ही आ गया था। एकदम जब नीचे जाते थे ना भाई जानवील, भाई साहब हालत टाइट हो जाती है। सो गाइस अभी हो गई है रात और हो गया सोने का टाइम। अपन ना बहुत मस्ती करते हैं काम में, इसलिए तो ना बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है अभी। सो बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरी पिछली वीडियो को यार शेयर कर दो। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगाए कि मैंने तेल कैसे निकालते हैं, टूड़ा क्या होता है उसका पीछे, यार इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी मैंने, आपने उसमें एक भी वो नहीं हुआ शेयर, मैं जानता हूँ, बस नोटिफिकेशन आ जाता, एक भी शेयर नहीं हुआ है। लाइक है बस थोड़ी बहुत ही, 5 लाइक और 17 लोगों ने देखा है यार। प्लीज़ लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करो। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।